घोर बजरे दानव दलन जय 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 कपिसो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम 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 जय राम जय 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 जय राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। लगता है यही वो मार्ग है जहां से लंकेश्वर ने बताया था हनुमान प्रस्थान करेंगे। हाँ, इसी मार्ग पर मैं तपस्या करता हूं और हनुमान को चकमा देता हूं ताकि वह बूटी लाने में देरी कर दे और वो दोनों बालक मशक हो जाए। हाँ राम जय श्री राम। परंतु वो हनुमान अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है मेरे राम नाम जप का स्वर उस तक पहुंच नहीं रहा। हाँ, मैं ऐसा राम नाम जपूं जिससे मेरी वाणी उसके कानों तक पहुंचे, तभी तो वह यहां मेरे दम में फंसेगा अवश्य। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम नहीं मोरी सुधलीनी मैं कब से राह निहारूं राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं श्री राम नहीं मोरी सुधलीनी मैं कब से राह निहारूं राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं।
जय श्री राम। आयुष्मान आओ हनुमान। महात्मन आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा हाँ ये भी जानते हैं, मेघनाद ने शक्ति मारी है, मेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेड़ा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ स्नान ध्यान करके तू आ जा, स्नान ध्यान करके तू आ जा, तोहे बना लो चेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय जय राम श्री राम, जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम शांति मिटाने के लिए राम चरण गए गग स्नान, मगर मच्छ के जाल में राम उलझ गए। आखिर मेरी चाल षड्यंत्र काम ही आ गई, मैंने हनुमान को स्थान पर रोक ही लिया। हाँ अब स्नान ध्यान करके जैसे ही जाएगा मगरमच्छ के मुंह में पाएगा। हाँ और वे राम और लक्ष्मण दोनों अपने दुख से व्यतीत ही रहेंगे। हाँ अब यह हनुमान यहां से जाना नहीं चाहिए, इसको मगरमच्छ के मुंह में आना चाहिए। हाँ हे हनुमान जी, मैं एक देवलोक कन्या हूँ, एक श्राप के कारण मुझे मकरी बना दिया गया था। हे हनुमान जी ये कोई साधु नहीं, ये रावण का मित्र काल ने भी है, जो आपके कार्य में बाधा बनकर आया है। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम मैं तो राम श्री राम पुकारूं।
जाओ, अपने पति लोक को जाओ। लगता है वानर का तो काम ही हो गया। अरे ये कौन था? हनुमान, तुम स्नान ध्यान करके नहीं आए? हाँ हाँ महाराज, मैं तो स्नान ग्रहण करके आया हूं। तो तुम्हें तुम नहीं नहीं स्नान ध्यान करके नहीं आए, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। नहीं नहीं महाराज, मैं तो स्नान ग्रहण करके आया हूं। क्या कहा, तुम स्नान करके आए हो? जी महाराज। चलिए हनुमान, तुम थोड़ा ध्यान कर लो। महाराज आप गुरु दीक्षा तो ले लीजिए। गुरु दीक्षा? हाँ हाँ हनुमान, पहले गुरु दीक्षा तो ले लो। नहीं नहीं महाराज, आप तो पहले गुरु दक्षिणा ले लो। नहीं नहीं हनुमान, गुरु दीक्षा पहले, गुरु दक्षिणा बाद में। चलना चाहिए, रात्रि का दूसरा पहर भी खत्म हो गया है। मुझे तो भोर होने से पहले शिविर में पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां अंधकार छा जाएगा। जय श्री राम। Thank you.
धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन पावन सुत धन अंजनी धन हो मेरे धन धन पावन सुत शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रम सेव्यम मनीषम वेदांत वेद्यम विभो रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनीषम हरि वेदांत अहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। संजीवनी बूटी कैसे पहचान करो? मैं तो पूरा पहाड़ी ले चलता हूं। धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन पावन सुत अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानाम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम रघुपति प्रिय भक्त श्री हे राम जय श्री राम मेरे राम राम जपो 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 राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय राम। जब अयोध्या के ऊपर से देखते हैं तो अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हैं, लगता है इसे ये अयोध्या पर गिराकर अशांति फैलाना चाहता है। अभी मैं अपने बिना फण के बाण से इसे भूमि पर लाता हूं। Thank you.
आपका नाम? महामंत्र की मां मधुर आवाज लगाई किसने? मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में बिजली दौड़ाई किसने? जिसने बेबी पुकारा है ये नाम, वो सचमुच है उनके प्यारों में। जितना दर्द इस पुकार में है, वो नहीं हजार पुकारों में। हे बोलने वाले, फिर से बोल। हे नाथ, मैं कहाँ आ गया हूँ? आप अयोध्या में हैं। और आप कौन हैं? भैया, मैं राम का अनुज भरत हूँ। आओ मेरे आओ भाग्य, मेरे समक्ष श्री भरतलाल जी खड़े हैं। परंतु सुना था आपका पवन पवित्र नाम, जिनका इस श्रवाणों के द्वारा मैं प्यासा था, जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा मेरे आराध्य देव के जो, हे आराध्य देव, इस जग में मैं बड़ा दुर्भाग्य हूं। आन पड़ा जो उनके ही प्रिय पावन पग में, हे भरतलाल जी, रावण से हमारा घोर संग्राम चल रहा है। सीता माता रावण के बंदी गृह में है। मेघनाथ जी ने लक्ष्मण जी पे भ्रम शक्ति का प्रयोग किया है। क्या कहा? और उन्हें मूर्छित कर दिया है। क्या, मेरे लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है? मुझे सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी जो इस देवगिरी पर्वत पर है, उसे लेकर पहुंचना है, वरना उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अतः मुझे समय का अभाव है। भरतलाल जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। ठीक है महात्मन, रात ही रात मैं तुम्हें बूटी सहित पहुंचाऊंगा। श्री भरतलाल जी, वाण में राम कृपा जो महाशक्ति भर सकती है, क्या आप मेरे घायल शरीर में वो कुछ काम नहीं कर सकती है? प्रभु, केवल दो आशीर्वाद। जाएगा वाण समान सचीव श्री राम कृपा से, निसी में पहुंचेगा ये अनुमान सचिव। हे स्वामी, देह नहीं अच्छी, आप मुझे अब आज्ञा दीजिए। ठीक है महात्मन। बस विदा श्री भरतलाल, दंडवत प्रणाम लीजिए। तब प्रतापुर राखी प्रभु जेह हो नाथ, तुरंत अस कहीं आयहु पाई पदे, बंदी चले हनुमंत। महात्मन, जय श्री राम। चढ़ जाओ पार पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। रात ही रात मैं तुम्हें वीर बूटी सहित पहुंचाऊंगा। राम जी, आप धैर्य धारण करें। हनुमान जी शीघ्र ही संजीवनी बूटी लाते होंगे। Thank you.
जागो लखन तुम्हें राम बुलाता है, जागो लखन तुम्हें राम बुलाता है, जागो जागो लखन तुम्हें राम बुलाता है। घर से चले थे हम संग भाई, घर से चले थे हम संग भाई, परदेस आकर विपदा छाई, परदेस आकर विपदा छाई, जागो लखन तुम्हें राम बुलाता है, जागो लखन तुम्हें राम बुलाता है, जागो। जागो लखन तुम्हें राम बुलाता है, आधी रात बीत गई परंतु प्रिय हनुमान अभी तक नहीं आए। कब नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह फिर दे पले ये तीर, क्या चालो एक खेड़ते ही तक चाहे राता से फिर आई हो, डूबे नहीं कहीं राह योता है न चाही हो, यदि लगन लाल के साथ साथ उस
उसने भी दुनिया छोड़ी हो। ए विधाता, तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। लक्ष्मण जैसे भाई को देखे कर तो आराम ये गिरी पड़ो। ए ब्रह्मदेव शक्ति छोड़ से, आजा मेरे सीने पर। ये छोटा है बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले है। हे पार से पीछे ले आ, उसको समाप्त करना पहले। या ये अच्छा है, एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए। भाई भाई का एक रक्त, एक ही चिता पर जल जाए। तारे ठीके पर चले, बीत रही है रात। मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो प्रहार? प्रभु प्रभु, आप इतने अधूर में क्यों हो प्रभु? हनुमंत आते ही होंगे। मेरे इतने भाग्य का लंकापति भैया लक्ष्मण मेरे कभी दुखी नहीं। मेरा लक्ष्मण मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। मेरे लिए उन्होंने तो अपने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और मनों के कष्टों को भी सहन किया। यदि अगर मैं जानता कि वन में आकर भाई से विजय हो जाएगा, तब मैं मेरे स्वर्गीय पिता के वचनों का उल्लंघन कर देता। संसार में पितृ धन नारी सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु एक सहेदर भाई का मिलना बड़ा ही कठिन है। लंकापति बहुत कठिन हो, मैं तुम्हारे भैया ही यार, किस तरह अवध पे जाऊंगा? मां पूछेगी तुम्हारा अनुज लखन का है, तुम क्या कहकर समझाऊंगा? उस छाती में उस गोदी से दयाला भजा वह उठेगी, जब हीन सीन सी व्याकुल हो। भैया भैया तड़प से उठेगी, तब बताऊंगा कि लक्ष्मण भैया कैसे ना जने जगत मां और सत्य की यह लपटों से पुत्र बड़े बहुत मान। तुम उस मूर्छा से मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता रहा रहे सहेज भ्राता, मरते है उधर अयोध्या। पुत्रों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तुझो भैया,
अन्यथा सबों के जीवन हित। जल्दी से जाग उठो भैया, प्रातः लक्ष्मण, नेत्र खोलो भैया। जब लगेंगे नहीं तो जीने से क्या बंधु, और मैं तुमसे विदा लेता हूं। धिक्कार इस तरह लड़ने पर, जिसमें ये पुण्य कमाया है, मेरे लक्ष्मण जैसे प्यारे भाई को तारी के हेतु गवाया है। दुनिया देखेगी लखन महाराज कर्तव्य धर्म के रक्षण में, राम मरा कायरता से अपने ही भीतर रण में, अपने उपकारों के घट को कुछ आज और मरते जाना है। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना है। उत्तरा कन्या इन दोनों की, हे भाइयों, छाती उससे छाती मिला देना, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। और यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना, जन नदी की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के वज्रों पे इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार उसी सागर के भरवट पर। हे भैया, मेरे लक्ष्मण भाई, मेरे अनुज, नेत्र खोलो, विश्व में धन मिल जाए, मां मिल जाए, माओवती की ठकुराई कोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए प्रभुताई, मित्र मिले, पुत्र मिले, सेवक मिल जाए अधि सुखदाई। ये वस्त्र सब मान से आज उतरमा, जब मिलता है सहोदर भाई, हे लक्ष्मण, मेरी विनती सुनो, अपने नेत्रों को खोलो। मेरे लखन आँखें खोलो, मेरे लखन, मेरे धनमान, मेरे लखन, मेरे धनमान, खोलो नैना, लखन मेरी लखन लाल, मेरे धन मान, नैना खोलो, नैना खोलो। मेरे जीवन हृदय प्राण, मेरे जीवन हृदय प्राण,
बोलो बेना बोलो बेना बोलो बेना बोलो मेरे लखने आंखें खोलो मेरे लखने आंखें खोलो जी शीघ्र कीजिए आंखें खोले लक्ष्मण जी मेरे अनुज अब नहीं छोड़ूंगा उसको आशीर्वाद दीजिए भैया काल तक पहुंचाऊंगा उसको
लक्ष्मण, मेरी तुम्हें आज्ञा है, जाओ उस पर पंछी उस मायावीर मेघनाथ का वध करा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय क्या समाचार लाए हो? युद्ध का क्या समाचार है? सभासदों, दूत आता ही होगा। महाराज जय शंकर की। महाराज छोटा तपसी जो कि मेघनाथ की ब्रह्म शक्ति के वार से मारा गया था, वह पुनर्जीवित हो गया। महाराज पुनर्जीवित हो गया? जी महाराज। वो छोटा वनवासी लक्ष्मण? जी महाराज। तो मेघनाथ का ये वार खाली गया, अब क्या करें? अब मुझे भ्राता कुंभकर्ण को निद्रा से जगाना होगा। मेरा भ्राता कुंभकर्ण ही अब मुझे रण में विजय दिलाएगा। भ्राता कुंभकर्ण, कहाँ है मेरा भ्राता कुंभकर्ण? कहाँ है मेरा भ्राता कर कुंभकर्ण? कुंभ, मेरा भ्राता कुंभकर्ण 6-6 महीने एक साथ निद्रा की गोद में सोया रहता है। वो एक क्षण में ही सभी भालुओं और बानरों को अपना भोजन बना लेगा। भ्राता कुंभकर्ण, निद्रा से जागो भ्राता कुंभकर्ण। भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण। भ्राता कुंभकर्ण,
अब आप ही हमें रण में विजय दिला पाएंगे। भ्राता कुंभकर्ण, कैसे कैसे वो छोटा वनवासी लक्ष्मण होश में आ गया? कैसे? मेघनाथ का ये वार, ये ब्रह्मास्त्र खाली गया? ये महाराज असंभव, यह असंभव है, कैसे हो सकता है? भ्राता कुंभकर्ण के कक्ष में जाना होगा, भ्राता कुंभकर्ण को जगाने, भ्राता कुंभकर्ण को जगाने। मेरा भ्राता कुंभकर्ण, घोर निद्रा में मेरा भ्राता कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, उठो भ्राता कुंभकर्ण। ये तो निद्रा में ऐसे सोया हुआ है जैसे इसे कोई परवाह ही नहीं लंका की। कुंभकर्ण, तुम्हारे भ्राता लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता, उठो कुंभकर्ण। हे निद्रा की देवी, कुंभकर्ण को अपने गोद से उतारो। हे निद्रा की देवी, हे निद्रा की देवी, कुंभकर्ण हीरो, देखते क्या हो? कुंभकर्ण को जगाओ। जो आज्ञा महाराज। भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, ये तो उठता ही नहीं है। भ्राता कुंभकर्ण, किसी भी तरह से भी उठाओ, उठाओ। हट जाओ, भ्राता कुंभकर्ण, उठो उठो। कैसे उठेगा कुंभकर्ण मेरा भरण? महाराज जागो, जागो महाराज, ये ऐसे नहीं जागेगा। विरोह जय महाराज। ढोल नगाड़े लाकर बजाओ। तो आज्ञा महाराज। शोर मचाओ, तभी इसकी निंद्रा खुलेगी। महाराज कुंभकर्ण, उठो
प्रातः कुंभकर्ण। वीरो दोबारा प्रयास करो। हर्जे कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? महाराज उठा उठा उठा। प्रातः कुंभकर्ण नींद से जाग गए। हमारा भ्राता कुंभकर्ण नींद से जाग गया है। भ्राता पंकेश जय शंकर की। जय शिव जय शिव। क्या कारण हुआ जो मुझे कच्चिंद्र से आपने उठा दिया? सब ठीक तो है। क्या बताएं भ्राता कुंभकर्ण, दंडक वन में दो राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी राम की पत्नी सीता के संग वनवास करने आए हैं। हमारी बहन सिर्फ नखा घूमते घूमते उधर गई। वो छोटे राजकुमार लक्ष्मण से बात करना चाहिए, उसने छल पूर्वक उसके नाक और कान काट दिए। जब ये समाचार खर और दूषण को मिला तो दोनों ने राम लक्ष्मण के साथ युद्ध किया। राम लक्ष्मण के साथ युद्ध किया? क्या रहा युद्ध का? उन्होंने खर और दूषण को भी युद्ध में मार दिया। खर और दूषण को भी युद्ध में मार दिया? 1400 हाथियों का बल था उनमें। जब मुझे ये समाचार मिला तो मैंने मारीच की मदद से एक मायावी स्वर्ण मृग के माध्यम से राम की पत्नी सीता का हरण किया और उसे अपने लंका में ले आया। अभी वो अशोक वाटिका में है। अब वो सुग्रीव की मदद से बानर और भालियों की एक विशाल सेना तैयार करके समुद्र पर सेतु बनाकर लंका में घुस आए हैं। भ्राता कुंभकर्ण घोर संग्राम चल रहा है। घोर संग्राम, हमारे लंकावासी मारे जा रहे हैं। आज वो छोटा राजकुमार लक्ष्मण भी मूर्छित हो गया था मेघनाथ के बाण से। बस अब तुम जाओ सेना की सेनापति बनकर रण में, और उन भालुओं और बानरों को भोजन बनाकर खाओ और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। भ्राता कुंभकर्ण, बस तुम्हें इस रण में लंकेश को विजय दिला सकते हो। लंकेश, भ्राता लंकेश, आपको उस स्त्री को चुराने की क्या आवश्यकता पड़ी? केवल और केवल धन का और आभूषणों का लालच देते स्त्रियों को हद ही लालची है। या रूप धर के जाते राम बनकर और उसको अपने मोह में वापस लेके आते? नहीं भ्राता कुंभकर्ण, जब जब मैं राम का वेश धर